हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज आशीष सेन। सो मैं आ गया अपना अनदर व्लॉग लेके। सो अब ये व्लॉग किसके ऊपर है मेरे को पता नहीं है एक्चुअली में, पर क्या है कि आज मैं भोपाल आया था, सोचा कि यार व्लॉग करता हूँ, व्लॉग करता हूँ, तो आज सोच रहा हूँ कि व्लॉग ही कर देता हूँ, पर किसके ऊपर करना है मेरे को पता ही नहीं बिल्कुल भी। तो सीन कुछ कुछ ऐसा है कि मैं मेरे पापा के साथ आया हूँ अभी भोपाल, तो अभी मैं कोई भी जानी हूँ, कोई फिजा जानते हो तुम लोग? हाँ, कोई फिजा। तो अभी पापा भी साथ में, पापा को देख रहे हो ना? पापा आए बोलो एक बार। अरे पब्लिक को बोलो ना आए। अरे अरे वाला हाथ दिखाओ, कैमरे में आ नहीं रहा। हाँ क्या बात है, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं मेरे पापा, देखते देखते ना। अरे पापा को चश्मा पहनाते, पापा के लिए चश्मा आ गया। चश्मा 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 चश्मा, अरे भाई चश्मा भूल गया भाई। मैं पापा का इसमें भूल चुका हूँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रही है। हाँ तो वो पीछे बड़ा ही देख रहा था मैंने कि क्या कर रहा है भाई, क्या देख रहा तू, क्या कभी देखा नहीं क्या? तो चलिए आइए, अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है देखते हैं ना। अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं तालाब देखने, मेरे पापा को तालाब देखना है ना, पापा को नहीं देखना है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी क्या है कि हम लोग हॉस्पिटल आए थे मेरे पापा का ट्रीटमेंट कराने, तो अभी जो सर आएंगे वो जो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर वाला डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहा है, डॉक्टर डॉक्टर अभी आएगा, वो आएगा मतलब 4 बजे, और हमारा नंबर है कितना 56, तो 56 नंबर के लिए हमको मतलब 6 बजे हमारा नंबर लगेगा, तो 6 बजे नंबर लगेगा। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो 2 ही बज रहे हैं, अभी तो मतलब 2-2.5 बज रहे हैं, तो अपन लोग 6 बजे तक क्या करेंगे? तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग ही बना लेता हूँ, व्लॉग ही बना लेता हूँ। और वैसे भी अभी ना ट्राईपॉड मेरे बैग में था, तो बस हो गया चालू, बना लिया। अब देखते हैं क्या सीन है आगे, आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है ना। और पापा अभी मेरे को पता नहीं भोपाल में क्या क्या देखने को घूमने को है। तो अभी मैं आया था कोहे फिजा, भोपाल में कोहे फिजा है, अभी यहीं पर आया हूँ मैं, और बाकी आगे देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ठीक है। और देख रहे हो पापा को मेरे, देखो क्या फूल लग रहा है, स्मार्ट है इनको, लगते कि नहीं मेरे जैसे, है कि नहीं मेरे जैसे? कमेंट करके मेरे को बता दो बिल्कुल कैसे कैसे लग रहे हैं मेरे पापा जी। स्मार्ट से पापा, पोज दो, पोज 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 दो, मैं आपका फोटो खींच रहा हूँ, तो पोज देते ना, अलग अलग पोज दो, पोज देना नहीं आता आपको। अरे भाई साहब क्या पोज दे रहे, अरे ऐसे पोज नहीं देते, वो ये सेल्फी वाले पोज होते हैं, छोरियां देती है, थोड़े अच्छे वाले दो, ऐसे ऐसे हाथ कर लो ना, ऐसे हाथ बांध लो। हाँ ये बात, तो भाई साहब ये मिली है मेरे पापा से, ये है मेरे पापा, और जो कि बहुत सपोर्टिव हैं, है ना। तो चलो तुमको दिखाता मैं इधर से तालाब, तालाब की मछलियाँ, ये वो, चलो चले बाबा। तो अभी हम लोग भोपाल पे हैं, और अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, मेरे पापा भी पोज देके खड़े हुए हैं, तो मैं उनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ, एक वो ले ही लेता हूँ। पापा सेल्फी में पोज देना है, पोज दो ना, अरे बोलो मत, पोज दो, पोज ऐसे कर दो, ऐसे स्वैग वाला स्वैग, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ये ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। तो भाई साहब पापा को पोज सिखा दिया मैंने ना, चलो ये। और पापा कुछ बोलना चाहोगे? कुछ तो बोलो। चलो और तो भाई साहब अभी हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर, कि हमको 2 घंटे काटना है भाई साहब कैसे भी करके, और टाइम पास तो ही नहीं रहा है, बस चले जा रहे हैं, कैमरा हाथ में पकड़े हुए हैं, और बस चले जा रहे हैं। पापा
ओ भाई साहब, ये मेरे पापा की स्पीड बहुत धीमी है। मेरे पापा बहुत धीमे चलते हैं, मेरे पापा बहुत धीमे चलते हैं, बहुत धीरे हैं। कबे 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 ए आ गए। चलो भाई साहब, अभी आगे आगे क्या सीन है तुमको? मेरे को पता नहीं क्या सीन है, सच में मेरे को पता नहीं। मेरे को ब्लॉग बनाना भी नहीं आता है, पर वो तो मैं ना बक बक ज़्यादा ही कर रहा हूँ। तो भाई साहब ठीक है, चलो बना लेते हैं ब्लॉग, है ना? तो आइए। पापा चलो ना। हेलो गुड़िया, हाय। अरे 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 देखी छे। हाँ जी, यूट्यूब पे। जी जी, यूट्यूब के लिए वीडियो। आशीष से नाम से चैनल है मेरा सर। आशीष, आशीष से नाम से चैनल है सर। अरे वाह, आशीष से जी। बहुत बढ़िया। तो क्या दिखाते हो? हम लोग मतलब व्लॉग्स बनाता हूँ, वैसे मेरा डांस चैनल है। अच्छा, हाँ। तो अभी अभी व्लॉग्स सडनली अभी स्टार्ट किया है मैंने। कहता हूँ अभी मैं रास्ते से जा रहा था तो अभी भैया भैया मुझे मिले हैं, तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सैयद सोहेल अली, माय सेल्फ जर्नलिस्ट। मैं जो है कि भोपाल शहर के अंदर पत्रकारिता का काम करता हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग भी करता हूँ, और भी जो राजनीतिक ये है इसके अंदर मेरा और चैनल भी है, मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा अच्छा, अरे क्या बात है। चलिए मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, बिल्कुल सर का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो भोपाल है ना, बहुत खूबसूरत शहर है। जी जी, ताल तलाइयों शैल शिखरों, यानी कि सबसे ज्यादा तालाब जो मिलेंगे भोपाल के अंदर, भोपाल के अंदर है। सही बात है। और शैल शिखर यानी कि यहाँ पर जो है कि आपको पहाड़ भी मिलेंगे और समतल रास्ते भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके की जो अच्छी जो अपनी बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, उस तरह का माहौल यहाँ मिलेगा। बिल्कुल। भोपाल के लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, और बहुत एक दूसरे की गंगा जमनी तहजीब है यहाँ पर, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर NRC और CAA नागरिक संशोधन बिल को लेके जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो लोग एक दूसरे के साथ नया नहीं क्या क्या हरकतें हो रही है। गंगा का शुक्र है, ऊपर वाले का बड़ा खराब है कि हमारे भोपाल के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, इसका विरोध हुआ, लेकिन लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया, सड़कों के ऊपर उतरे, विरोध प्रकट किया, अपनी बात को रखी और अपने एक दूसरे से मिलकर और घर रवाना हुआ। यानी उस प्रोटेस्ट के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने भाग लिया। ये हमारे यहाँ ये खास बात है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब और सब एक दूसरे का बहुत ख्याल, बहुत प्यार करते हैं। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप हमें बताइए कि भोपाल में क्या क्या घूमने लायक जगह है और क्या क्या नहीं है, मतलब क्या क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पे? वैसे तो पूरा भोपाल ही इतना खूबसूरत है, कहीं से भी आप भोपाल देखेंगे मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा। जो यहाँ का VIP रोड है जहाँ पर अपन खड़े हुए हैं, इस VIP रोड पे पूरे दुनिया के अंदर इतना अच्छा रोड मेरे ख्याल से शायद ही हो, जहाँ पर यहाँ से आप भोपाल के हर हिस्से में जा सकते हैं यहाँ से। जी जी। और यहाँ पर एक राजा भोज सेतु है जो रात में बहुत खूबसूरत लगता है, इसके पास में छोटा तालाब है। उसके बाद आ जाइए तो हमारे भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर यानी कि आप समझ लिए कि लाल परेड ग्राउंड भी है जी, और यहाँ पर बिरला मंदिर है, पूरे दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं, और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पर जिसको मसाजिद, क्या बात है कि कहाँ पर स्थित है, मीनारे हैं और रॉयल मार्केट के पास है ये। अच्छा अच्छा। और इस मस्जिद को देखने के लिए बहुत फॉरेन से लोग, अंग्रेजों में यानी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ की खास बात ये है, वैसे वन विहार भी है, बोट क्लब भी है, और चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत भोपाल बहुत खूबसूरत है। और मैं दुनिया के लोगों से चाहूँगा कि वो लोग आए एक बार भोपाल को जरूर देखें। और सर का चैनल है, सर का चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, सब्सक्राइब करो और सर को सपोर्ट करो। सर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनर है,
अपने काम को लेकर भी तो बोले कि मतलब मैं पत्रकार हूँ और मतलब यूट्यूब चैनल है आज के टाइम्स न्यूज है मेरी और मेरा मैगजीन है राज्य न्यूज़ और मैं डेली अखबार में काम भी करता हूँ काम से क्राइम रिपोर्टर हूँ हमारा जो पाला पड़ता है रो रहा है ना एस पी कलेक्टर आई जी डी आई जी डी जी पी गृह मंत्री पी आई इन लोगों से मेरा पाला पड़ता है ज़्यादा मुझे आप मेहनत कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी दुआएँ आपके साथ है कि आप मेरी भविष्य में भी तरक्की करें और हाँ तो भाई लोग पीछे अंकल दिख रहे हो अंकल से मिलके बहुत बहुत मज़ा आया अभी उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है और मुझे बताई भी है मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीखी है उन्होंने मेरे को बताई भी है बिकॉज वो खुद एक YouTube चैनल चला रहे हैं तो ऑब्वियसली ना यूट्यूबर्स मिल जाते ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है मैंने उनको कुछ सिखाया उनने मेरे को कुछ सिखाया तो बढ़िया था और अच्छा लगता है जब कोई आके अपन को मतलब अप्रिशिएट करता है अपने चैनल को लेकर मतलब अपनी मेहनत देखता है और अपन मतलब साथ में पापा है मेरे और उनके सामने बोलते हैं कि यार बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है तो चलिए आगे अपन देखते हैं क्या करना है सीन अंकल से मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को क्योंकि चैनल मतलब चैनल उनका भी है तो क्या है ना कि मैंने उनको बताया कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो वो मतलब बड़ा खुश हुए कि यार बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है बच्चा बड़ा काम कर रहा है तो ये चीज़ आप भी सुन दो यार तो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से है ना और लाइक वाइक कर दो बढ़िया फटे तक और पापा देखो पापा की मुस्कान की चमक जो है वो बिल्कुल जा ही नहीं रही है क्योंकि छोरे की तारीफ सुनी उन्होंने तो अंकल ने बहुत तारीफ करी मेरी है ना तो बस अब सब्सक्राइब वगैरह कर दो मेरा चैनल और बाकी मिलते हैं अपन अंकल से मिलके आपको भी अच्छा लगा होगा है ना ये क्या है कि अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं कि यार बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग मतलब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो मतलब समझ रहे हो ना आप लोग तो बस यही सी है और बस बाकी तुम लोग सब्सक्राइब कर दो बढ़िया सा और अपन आगे भी अच्छे से ब्लॉग्स बनाते रहेंगे अभी तो मैं लोकल की बना रहा हूँ जैसे वहाँ मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो ब्लॉग्स बना रहा हूँ तो यार अभी मेरे को कुछ पता नहीं कि ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं तो एक्चुअल में क्या ना मैं ब्लॉग्स बनाना सीख रहा हूँ बेसिकली आपको पता ही है कि मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ डांस कोरियोग्राफी करता हूँ तो अभी ब्लॉग्स वगैरह धीरे धीरे मैं बनाऊँगा अभी शायद मेरा टूर अभी 5-7 दिन में रहेगा 5-7 दिन में मैं जा सकता हूँ खाटू श्याम जी का टूर बनाऊँगा मैं क्योंकि खाटू श्याम जी में जाता ही रहता हूँ हर 11 के दिन और अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो भीड़ रहेगी वहाँ पर तो 11 को ना जाके मैं अभी कुछ दिनों बाद ही निकल जाऊँ तो मैं जयपुर का तुमको ब्लॉग बताऊँगा जयपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है क्या क्या नहीं है तो जयपुर में थोड़ा घुमाऊँगा क्योंकि जयपुर में जाता हूँ और खाटू श्याम जी जाता हूँ ना तो जयपुर तो मतलब बस से क्या मतलब रेलवे स्टेशन से निकलता ही हूँ तो मैं सोच रहा हूँ इस बार कि यार फ़ोन भी है ट्राईपॉड भी है यार तो ब्लॉग्स भी है और मैं भी हूँ और मेरा बैग भी है और मेरा चश्मा भी है तो अब तो ना एक ब्लॉग बना लिया जाए अच्छे सा और जयपुर के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो आपको देखने को मिलेगा तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से और बस सब्सक्राइब कर दो यार कुछ नहीं बोलना मेरे को बस सब्सक्राइब कर दो भाई अच्छे से चलो मिलते हैं थैंक यू।